स्टोरी के वायरल टॉपिक्स को फाइंड आउट करें। बेसिकली आज के क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, अपनी वेब स्टोरी के वायरल टॉपिक्स को फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग की ये दिक्कत होती है कि उनकी वेब स्टोरी वायरल नहीं हो पाती। कारण क्या रहता है? उनका टॉपिक बहुत पुराना हो जाता है या फिर वो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक ही नहीं उठा पाते जिसके ऊपर उन्हें वेब स्टोरी बनानी चाहिए। तो इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, अपनी वेब स्टोरी के लिए ऐसे टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करें जो ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे फाइंड आउट करें अपनी वेब स्टोरी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तरीके होंगे, कुछ वेबसाइटें होंगे जिसकी हम मदद लेंगे, जो मैंने कुछ पहली क्लास में बताई हुई है। इस क्लास में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। इस क्लास में मैं ये नहीं बताऊंगा कि वेब स्टोरी को कैसे क्रिएट करें और उसके बाद ऐसे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए कि जिससे वेब स्टोरी वायरल हो। वो ऑलरेडी मैंने एक क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, वो जरूर देख लेना कि वेब स्टोरी को वायरल करने का वो सबसे बेसिक इनिशियल स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगा कि अपनी वेब स्टोरी के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड आउट करें सिंगल क्लिक में। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड आउट करें उसके लिए कुछ वेबसाइट है। सबसे पहले आपको गूगल ट्रेंड की मदद लेनी है। गूगल ट्रेंड की मदद से आप ये पता लगा सकते हो करंटली क्या चीज ट्रेंडिंग में है। जैसे ये देखो, गूगल ट्रेंड की वेबसाइट पे आओ या ट्रेंडिंग नाउ पे जाओ। ठीक है, ट्रेंडिंग नाउ पे जाओ। जैसे आप ट्रेंडिंग नाउ पे जाओगे आपको पता चल जाएगा आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है या रिसेंटली क्या चीज ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जाके क्या करते हो, उसके ऊपर जाके अपनी वेब स्टोरी बनाओगे, उसके इर्द गिर्द अपनी वेब स्टोरी बनाओगे तो वहां पे आपके चांसेस ज्यादा है कि आपकी वेब स्टोरी डिस्कवर में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। ठीक है, अगर आपकी वेब स्टोरी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या इंफोसिस के रिलेटेड यहाँ पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है इंफोसिस। अब आपको पता है क्या इंफोसिस क्या है? इंफोसिस आईटी कंपनी के, इंफोसिस क्या है आईटी कंपनी है। क्या इंफोसिस क्या है? एक आईटी कंपनी है। तो आईटी के रिलेटेड क्या बना दो, वेब स्टोरी बना दो, क्या पता आपकी वेब स्टोरी गूगल के डिस्कवर में आ जाओ, वहां से वायरल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स की मदद से वायरल टॉपिक से पता लगा सकते हो। बट आप कहते हो यार मेरा मैं तो यूएसए के लिए ब्लॉगिंग करता हूँ, मतलब यूएसए के कीवर्ड्स पे मैं मतलब बोली लगाना चाहता हूँ, यूएसए कीवर्ड्स पे मैं अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाहता हूँ, यूएसए में अपने यूएसए का ट्रैफिक चाहता हूँ, तो क्या करोगे? इंडिया छोड़ो, यहाँ पे कर दो अपना यूएसए, कंट्री सेलेक्ट कर दो, तो उस कंट्री में जो भी चीज ट्रेंडिंग होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी और उसके ऊपर जल्दी से वेब स्टोरी बना। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है, मल्टी नीच वेबसाइट है आपकी, क्या है मल्टी नीच वेबसाइट, या बोल लो किसी भी टाइप का कंटेंट, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे बिजनेस हो, हर टाइप का कंटेंट जाता है, तो आप बहुत अच्छी तरह से मदद ले सकते हो। तो कोई भी टॉपिक उठाओ उसके ऊपर क्या कर दो, एक न्यूज बना दो, एक उसके ऊपर क्या बना दो, एक स्टोरी बना दो। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक नीच है, क्या स्पेसिफिक नीच है, जैसे कि आपका नीच है जैसे टेक ओनली नीच है, तो टेक के रिलेटेड ढूंढो और रिसर्च करो और यहाँ पे स्क्रॉल करो, देखो टेक के रिलेटेड क्या है, एक दो दिन में क्या चीज ट्रेंडिंग में है, तो टेक के रिलेटेड ही स्टोरी बनाओ, वो वायरल होगी जल्दी। मल्टी नीच है तो कोई भी टॉपिक उठा लो, अगर स्पेसिफिक नीच है तो क्या करो, आपको अपनी स्पेसिफिक नीच में वायरल टॉपिक देखना है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, और आप किसकी मदद ले सकते हो, बिंग। बिंग बहुत ही हिडन ऐसी चीज है जो लोग नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज करती है, कारण बताता हूँ। सबसे पहले आपको bing.com पे आना, कहाँ आना है, bing.com पे। जैसे google.com होता है ऐसे बिंग भी एक ब्राउजर है, आपको इस पे आना है सबसे पहले। जब आप इस पे आओगे आपको यहाँ पे देखो जो भी वायरल हो रहा होगा ना, आपके यहाँ पे जो भी चीज वायरल होगी सारे वायरल टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आधे से ज्यादा वायरल टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज रिसेंटली ट्रेंडिंग में होगा आपको यहाँ बिंग पे दिखा देगा। अब आप कहते हो नहीं जी मैं तो यूके के लिए ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मैं तो दुबई के लिए ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, वहाँ पे सीपीसी अच्छा मिलता है, तो मैं कैसे करूँ उसके लिए, तो क्या करो यहाँ पे जो ये जो देख रहे हो थ्री डॉट्स हैमबर्गर आइकन आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा इस पे क्लिक करो। क्या इस पे क्लिक करो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक छोटा सा टैब है सेटिंग्स का। क्या है? सेटिंग्स का टैब। सेटिंग्स के टैब पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंट्री। कंट्री मैं यहाँ से चलो चेंज करता हूँ, कंट्री यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ एक टाइम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। अभी क्या कर देगा, यूएसए में जो चीज ट्राई, अब यहाँ पे देखो रिजल्ट बदल गए। अब यूएसए में जो चीज ट्रेंडिंग होगी वो यहाँ पे दिख जाएगा, यूएसए में जो भी चीज ट्रेंडिंग होगी यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ से भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक नीच है, अगर आपका सिर्फ मार्केटिंग नीच है, बिजनेस नीच है, तो उसी का उसी के रिलेटेड वेब स्टोरी बनानी है। अगर मल्टी नीच है तो कोई भी टॉपिक उठाओ। ठीक है, ये आप बिंग की बहुत अच्छी तरह से मदद ले सकते हो। तीसरा गूगल न्यूज। गूगल न्यूज के बारे में कौन नहीं जानता, गूगल न्यूज से भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। अब आप कहोगे वही चीज कैसे मैं यूएसए के लिए फाइंड आउट करूँ गूगल न्यूज के लिए, उसके लिए यहाँ पे देख रहे हो सेटिंग्स का आइकन। सेटिंग्स के आइकन में यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन है। क्या? लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन है। आप यहाँ पे कर दो
आप यहाँ पे कर दो यूनाइटेड स्टेट्स, क्या कर दो यूनाइटेड स्टेट्स, आप यहाँ पे कर दो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पे कर दो और अपडेट कर दो, ठीक है, सिंपल। आप जैसे अपडेट कर दोगे अब आपको जो रिजल्ट्स होंगे किसके रिलेटेड होंगे, यूएसए के रिलेटेड आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक, आपको जिस भी कंट्री को टारगेट करना है, ठीक है, आपको पता है यूएसए के लिए हाई सीपीसी है तो यूएसए को टारगेट कर दो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट होती है जहां से आप ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करते हो। मैं आपको कहता हूँ बहुत सारी न्यूज वेबसाइटें होती है, जैसे मान लो टाइम्स नाउ आपका हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर लगा लो आज तक हो गए, जितने भी न्यूज है उन सबको फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे आप सिंपल लिखो यहाँ पे टाइम्स नाउ, चाहे टाइम्स नाउ भी एक वो है, टाइम्स नाउ लिखो, टाइम्स नाउ ये देखो टाइम्स ये है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता था, इसको आप इसको फॉलो करो, रेगुलर इसके अपडेट से रहो, आज तक को फॉलो करो। अगर आप यूएसए या यूएसए में क्या चीज चलता है, यूएसए में न्यूयॉर्क टाइम्स चलता है, इन सारे क्या करो, इन सारे न्यूज को फॉलो करो, जो भी चीज ट्रेंडिंग आ रही है तुरंत आप वहां पे कॉन्टेंट डाल दो, ठीक है, तुरंत वहां पे कॉन्टेंट डाल दो, उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो गूगल आपके डिस्कवर में भी ले आएगा, वो आपके गूगल क्या पता अगर एक बार गूगल के डिस्कवर सेक्शन में आ जाएगा, एक वेब स्टोरी अगर वायरल होगी तो उसके बाद देखो सारी की सारी वेब स्टोरी एक झड़ी में वायरल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना है वायरल आपको टॉपिक को फाइंड आउट करना, अगर वायरल टॉपिक को फाइंड आउट कर दिया उसके ऊपर वेब स्टोरी बनाओ। वेब स्टोरी कैसे बनाए, वेब स्टोरी बनाने के बाद आपके क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसे वायरल करें, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है तो वो जरूर देख लेना, बट आज हमने डिस्कस किया वेब स्टोरी के लिए वायरल टॉपिक कैसे फाइंड आउट करें सिंगल क्लिक से। आपको इन वेबसाइटों पे जाना, देखो क्या चीज चल रही है, आप एक दो बार देखोगे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जब बिंग पे जाओगे आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा क्या टॉपिक है, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज हमने वेब स्टोरी को वायरल करने के एक और तरीके के बारे में देखा, आगे कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।